आज ही क्लास में शुरू करने जा रहे हैं हम आईसीटी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ एवं हानियां। ये आईसीटी के आने से हमें क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं, क्या क्या हमारी जो ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी हुई हैं और क्या हमें हानियां हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं वर्तमान समय में, तो इन दोनों बिंदुओं को लेकर क्या है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पक्ष कोई सा भी हो उसमें दोनों पहलू देखने को मिलते हैं, एक तो आपको होता है सकारात्मक, एक तो होता है आपका नकारात्मक। ठीक है, तो जो आईसीटी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसका हमारे जीवन पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानेंगे, प्लस नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलता है वर्तमान समय में, तो उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो पहले बात करें आईसीटी की लाभ की कि क्या क्या हमें उनसे लाभ प्राप्त हुए हैं, तो उसके विषय में जाने। तो पहला यही है कि संचार की तीव्र गति, जब से आईसीटी यानी कि तकनीकी का विकास हुआ है तब से क्या है संचार यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो कैसे उसकी गति क्या हो गई है, तीव्र हो गई है। यानी कि आपकी जो सूचना है, जो जानकारी है, आसानी से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर क्या है जल्दी से आ जा सकती है, आदान प्रदान जल्दी से होता है। जैसे पहले का समय देखे, जब आईसीटी नहीं थी तो कैसे सूचनाएं भेजी जाती थी, खत के माध्यम से सूचनाएं भेजी जाती थी, डाक के माध्यम से। अगर जब राजा महाराजाओं को समय देखे तो राजदूत जाया करते थे तो उन्हें कई कई दिन लग जाया करते थे एक न्यूज़ को पहुँचाने के लिए। जो गुप्तचर होते थे, जो राजदूत हुआ करते थे, तो उन्हें एक न्यूज़ को पहुँचाने के लिए कई चार पाँच छः दिन लग जाते थे, कभी कभी महीनों लग जाते थे, है ना। जैसे जैसे सभ्यता में विकास होता गया वैसे वैसे क्या तकनीकी का विकास हुआ। तो इससे देखिए, इससे क्या है, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी सूचनाएं हैं, जो आपकी जानकारियां हैं, वो जल्दी से कम समय में आदान प्रदान की जा सकती हैं। तो पहली विशेषता ये है कि संचार को क्या तीव्र गति मिली, कि अर्जेंट में आपको कोई सूचना भेजनी है तो आप क्या है ईमेल कर दोगे तुरंत, आपने यहाँ टाइप किया नहीं आप तो वहाँ पर सूचना पहुँची नहीं, यानी कि सेंड कर देंगे तभी तो सूचना पहुँचेगी। तो इसमें क्या है एक सेकंड की भी देरी नहीं लगती है ना, तो ये महत्व है इसका। तो देखिए, इसके द्वारा धन समय की बचत की जा सकती है क्योंकि यह जानकारी भेजने तथा साझा करने के लिए यह बहुत ही तीव्र माध्यम का कार्य करता है। बिल्कुल सही बात। अब देखिए, तकनीकी से तात्पर्य आप समझ ही रहे होंगे, आपके स्मार्टफोन हो गए, आपका कंप्यूटर हो गया, जो भी तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है ना, तो उसके माध्यम से आपका जो कम्युनिकेशन है उसने स्पीड पकड़ी है। तो एक विशेषता, एक लाभ हमें यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा देखिए, लागत प्रभावशीलता। अब इसमें क्या बात कही गई है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से सूचना का स्थानांतरण बहुत सस्ता एवं सुगम हो गया है। पहले समय में फ़ोन के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान या बातें करना बहुत महंगा होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से कम खर्चे में सूचनाओं का हस्तांतरण किया जा सकता है। जैसे पहले क्या टेलीफोन लगे हुए थे तो जितनी बातें हुआ करती थी उतना उसका बिल बनता था, तो इससे क्या बातें तो कम होती थी लेकिन जो बिल का जो पर्चा था वो लंबा खिंच जाता था। और वर्तमान में क्या है, आप अनलिमिटेड रिचार्ज कराइए, अनलिमिटेड आप बातें करिए, जितने महीने का आप रिचार्ज कराते हैं तो जो आपसे जो बिल लिया जा रहा है यानी कि जो आपसे उसका खर्चा लिया जा रहा है किसका, तकनीकी का, वो बहुत कम है, कहने की कोशिश यहाँ ये कही गई है। तो देखिए, इससे क्या है, एक तो आपके लिए सस्ता है, सुगम बन जाता है, आप अपनी सूचनाओं को आसानी से पहुंचा सकते हैं बिना देरी किए, आपको अभी इंतजार नहीं करना पड़ता। अगर देखिए किसी का फ़ोन नहीं लगता है, नेटवर्क इशू हो रहे हैं थोड़े बहुत और कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो आप देखिए मैसेज भी कर सकते हैं। पहले क्या था, ऐसा कोई मैसेज करने का वो सिर्फ वही था कि खत लिख सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया साइट्स पे जाइए, जो आपके परिचित हैं आपको कोई बात करनी है, अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं आप मैसेज टाइप कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितनी आपको सुविधा देखने को मिलती है, प्लस क्या है ये सस्ता भी है, ठीक है, पहले की अपेक्षा। ठीक, इसके बाद देखिए व्यापक उपलब्धता। देखिए, इस तकनीक के माध्यम से दिन में 24 घंटे तथा सप्ताह के सातों दिन संचार की सुविधा उपलब्ध रहती थी। जैसे अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि जो आपकी तकनीकी है, तो देखिए तकनीकी ने देखिए आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, खाना ऑर्डर कर सकते हो, तो ऐसे कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा तकनीकी ने जहाँ उसने क्या है अपना प्रादुर्भाव जमाया ना हो। अब इसमें बात क्या कही गई है, जो आपकी तकनीकी है वो क्या है, उसमें क्या है आप घर बैठे 24 घंटे आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, ठीक है, आपको शॉपिंग करनी है,
आप आराम से कर सकते हो। वैसे ही ई कॉमर्स साइट है, आपकी लाइब्रेरी है ना, आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, कहानी पढ़ने का शौक़ है आप कहानी वाले जो वेबसाइट्स हैं उनको ओपन कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जो आपकी तकनीकी है वो आपको व्यापक उपलब्धता प्रदान करती है, आप किसी भी समय किसी भी क्षेत्र में कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका 10 बजते ही आपको जानकारी नहीं मिलेगी, आप सर्च करोगे चीज़ें निकल के नहीं आएंगी, निकल के आएंगी, है ना। तो ये 24 घंटे कार्य करती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है अगला, कि नई नौकरियों का निर्माण। अब नई नौकरियों का निर्माण कैसे, कि ICT का सबसे अधिक लाभ IT के क्षेत्रों में नई नौकरियों का निर्माण कर रहा है, जो कंप्यूटर है। अब देखिए जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो कंप्यूटर जो जानने वाले हैं जिन्हें इनकी जानकारी है तो उस क्षेत्र में नौकरी भी तो मिलेगी। अब पहले का समय देख लीजिए, पहले कहाँ साइबर कैफे इतने हुआ करते थे, चुनिंदा ही हुआ करते थे। लेकिन देखिए अब जब साइबर कैफे खुल गए हैं तो उनके लिए क्या है, रोजगार के साधन खुल गए हैं। क्यों खुल गए हैं, कि सारा काम आपका डिजिटल होता है, ऑनलाइन ही होता है। तो देखिए इससे क्या है, रोजगार के साधन मिल गए हैं। दूसरा इसमें देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें आपका वेब डिज़ाइनर है और भी कई सारे डिप्लोमा हैं, डिग्री हैं जो आप कर सकते हैं। और अच्छी कंपनीज में, जो प्रतिष्ठित कंपनीज हैं उसमें क्या है, आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो जो आपका कंप्यूटर है, ICT ने क्या है, नई नौकरियों का निर्माण भी किया है। तो देखिए ये तो हमारे हो गए आपके लाभ के पक्ष। अब इसके साथ ही क्या है, हम अगर हानियों पर नज़र डालें तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, बेरोजगारी। देखिए एक विरोधाभास है, एक तरफ ये कह रहे हैं नौकरियां देखने को मिल रही हैं, बिल्कुल मिल रही देखने को, लेकिन देखिए बेरोजगार भी बड़ी हो रही है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता गया, मशीनीकरण क्या है अपने चरम पर पहुंच गया, जब मशीनीकरण होगा तो जो पहले जो कारीगर थे उनका क्या है, रोजगार छिन गया। मशीनीकरण हुआ तो तकनीकी के माध्यम से ही, है ना, वो चीज़ इसमें कही है। अब देखिए बेरोजगारी दूसरा फैक्ट ये देते हैं, जैसे 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 ICT डेवलप हो रही है, तकनीकी डेवलप हो रही है, ठीक है, तो देखने में ये मिला है कि रोबोट्स का निर्माण हो रहा है, कि जो कार्य इंसान क्या करते थे अब उनका कार्य कौन ले लेगी, मशीन ले लेगी। आपने शायद ये न्यूज़ में सुनी भी होगी कि इंडिया में एक रोबोट टीचर है जो बच्चों को पढ़ाएगी, है ना। अगर ऐसे ही आगे होता रहा तो जो टीचर हैं वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, फिर तो उनकी जॉब जा ही रही है। मशीनों ने तो पहले ही रोजगार छीन लिया है कारीगरों से। अब क्या अगर ये हर क्षेत्र में देखने को मिलेगी तो क्या है, जो आम इंसान है फिर उसे तो नौकरी मिलेगी ही नहीं। तो वो बात इसमें कही गई है कि बेरोजगारी भी हमें चरम सीमा पर देखने को मिलती है और इसे जुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो देखिए तकनीकी कौशल से संपन्न लोगों की जगह अब मशीनों और रोबोट से कार्य किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार में कमी आई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगला देखिए, नौकरियों की सुरक्षा का अभाव। वर्तमान में नई नई तकनीकें जुड़ती जा रही हैं, ऐसे में जो लोग तालमेल बैठाने में अक्षम हैं उन्हें रोजगार से निकलने का भय हमेशा बना रहता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हर क्षेत्र में आपकी तकनीकी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है, ठीक है। अब कोई भी कार्य किया जा रहा है तो हम जो कंपनीज के जो मालिक होते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या उम्मीद रहती है कर्मचारियों से, कि जो तकनीकी आई है उसका उन्हें ज्ञान हो। अब देखिए कोई किसी को तकनीक का ज्ञान नहीं और टैलेंट उसमें भरपूर है, पर वो क्या है, उस तकनीकी के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो उसे क्या है, अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। क्यों, जिसे उस तकनीकी के बारे में जानकारी होगी वही जॉब करेगा, इससे क्या है, नौकरी की सुरक्षा का अभाव है, यानी कि वो सिक्योर नहीं है अपनी नौकरी के लिए, कि मैं आज नौकरी कर रहा हूँ। और प्राइवेट सेक्टर में खासकर अगर वो बीमार भी हो जाता है लगातार 10-15 दिन, हालांकि छुट्टी मिलती है, लेकिन वहीं उसकी जगह पर उसके कोई और काम करने वाला अच्छा प्रदर्शन करता है तो नौकरी उसे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, यही तो हो रहा है। तो देखिए इसमें नौकरी की सुरक्षा का अभाव भी देखने को मिलता है, कोई इसमें परमानेंट नहीं है कि आपकी जॉब होगी ही होगी। अगर आपने ढील दी, आपसे अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है, आगे वाला व्यक्ति तकनीकी में ज़्यादा नॉलेज रखता है तो जॉब उसे दी जाएगी, वो बात इसमें कही गई है। तो इसलिए क्या है, इसमें नौकरी की सुरक्षा का अभाव भी क्या है, हमारे तकनीकी के कारण उत्पन्न हुआ है। दूसरा देखिए, गोपनीयता की कमी, बिल्कुल ये तो बहुत ज़रूरी है
कि जब आईसीटी हो गई तो तकनीकी माध्यम से आपकी इतनी सोशल साइट्स हो गई, वेबसाइट हो गई। तो देखिए आजकल क्या है, एक चलन सा चल गया है कि अपने छोटे छोटे मूवमेंट क्या है हम सोशल मीडिया के पर शो कर देते हैं। अच्छी बात है, जारी कीजिए, पर इतने भी मत कीजिए। और ज़्यादातर साइबर क्राइम हो भी इसी कारण रहे हैं। अगर कोई आपका शत्रु है भी तो वो क्या, पहले आपकी सोशल साइट्स चेक करेगा, यही तो करते हैं, सोशल साइट चेक करेगा आपके कितने घर में कितने मेंबर हैं, आप क्या करते हैं। तो उसे जब आपके यहाँ पे कोई अपराध करना होगा तो वो सोशल साइट्स के थ्रू ही करेगा, वहाँ से आपकी जानकारी कलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद रणनीति बनाएगा। और ये चल भी रहा है, इसीलिए आप प्रयोग कीजिए वेबसाइट का, पर इतना भी नहीं कि आप उसे दैनिक रूप में अपना लें, जिससे क्या है अपनी गोपनीयता भंग हो जाती है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि सोशल साइट्स के द्वारा सभी प्रकार की जानकारी एक दूसरे को भेजी जा रही है, जिससे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जो आपकी व्यक्तिगत सूचना को लीक कर देते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे अब इसमें बात ये कही जाए कि कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं वो हम किसी दूसरे को भेज रहे हैं, ठीक है, हमने तो भेजा उसे विश्वास करके, अब उससे क्या है भूल बस किसी और को उसने भेज दी वो सूचना, तो वो आपकी सूचना आपकी नहीं रहती है, वो दूसरे की हो जाती है, आपकी गोपनीयता वहाँ पर भंग हो जाती है। भंग होने का कारण क्या है, सोशल साइट्स का प्रयोग। अगर आप मौखिक रूप से एक दूसरे के सामने बैठे तो शायद ही आपकी गोपनीयता भंग हो। अब आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख रहे हो एक दूसरे को, आपको ये लग रहा है कि मैं जो बात कर रहा हूँ इस व्यक्ति तक ही सीमित है, पर ऐसा होता कुछ भी नहीं है। आज देखिए YouTube पे ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप उसमें अपने जीवन का जो दिनचर्या है वो हर चीज़ बताते हैं, अच्छी बात है बताइए, पर जब क्राइम होता है फिर रोते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो भी आपका शत्रु होगा पहले आपकी सोशल साइट्स ही चेक करेगा कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, क्या क्या चीज़ हैं, कैसे आपको हानि पहुँचानी है। ये सारी चीज़ें क्या है आपके ICT में हानियों में देखने को मिलती है, और ये वास्तविकता को दर्शाती भी है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या है, दैनिक जीवन में बाधाएं, तो दैनिक जीवन में कैसे बाधाएं आएंगी, जब आपकी व्यक्तिगत सूचना लीक हो जाए, है ना, तो आपको परेशानी तो होगी होगी, सामना करना पड़ेगा, लोगों को जवाब सवाल जवाब का सामना करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें। अब देखिए वीडियो कॉल जब होती है तो कुछ बच्चे क्या है गलत राह पकड़ लेते हैं, तो वो कुछ ऐसी प्राइवेट चीज़ें करने लगते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि ये चीज़ सेफ़ है, हालांकि वो सेफ़ नहीं होती है। जब वो चीज़ लीक होती है तो उनकी बदनामी होती है। तो हमें देखिए यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे हैं तो हम उन पर निगरानी रखें, वो क्या चीज़ चला रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, अगर उन पर कंट्रोल करोगे तो बच्चा भी क्या है इन सब चीज़ों भटकने से रुकेगा। उसे बताइए इन चीज़ों के बारे में कि बेटा ये आपके जीवन का अंग नहीं है, ये सिर्फ आपकी औपचारिकता को पूरा कर सकता है ना। तो जब तक हम बताएंगे नहीं किसी के, सिर्फ हम अच्छा ही बता दें, हानि उससे बताएं ना, तो बच्चा क्या सीखेगा। तो वो बात इसमें कही गई है कि कोई भी क्षेत्र उसके दोनों पक्ष होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। तो हम चर्चा कर रहे हैं नकारात्मक की, तो दैनिक जीवन में बाधाएं देखने को मिलती हैं। जैसे आपकी कुछ भी आपने इम्पोर्टेंट फाइल बनाई है, ठीक है, कोई आपका डेटा है वो बहुत ज़रूरी है ऑफिस के लिए हो गया आपका, या फिर आपका असाइनमेंट हो गया कॉलेज के लिए, अगर उसमें वायरस लग जाए तो या तो वो डिलीट कर लेगा। दूसरा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है, देखने को भी मिलता है जब कोई कंपनीज अपने फ्यूचर के लिए कोई नई नीति बनाने के लिए, है ना, कार्य करती है, तो कुछ लोग क्या होते हैं जो उस चीज़ को हैक कर लेते हैं, ये देखने को ही मिल रहा होगा। हैकिंग आजकल बहुत देखने को मिलती है, इसलिए क्या है गोपनीयता की कमी हो गई। अब जब गोपनीयता की कमी हो गई है तो आपका जो दैनिक जीवन है वो अव्यवस्थित तो होगा ही होगा। तो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी असफलता है कि हमने इसका प्रयोग बनाया तो सकारात्मक रूप में था ICT के तकनीकी के लिए कि अच्छे से कार्य करे, सरलता मिले कार्य करने में, पर दुर्भाग्य देखिए कि ज़्यादातर इसमें क्या है असफलता देखने को मिली। असफलता कैसे, हानि ज़्यादा है इसमें। अगर आप अच्छे से प्रयोग करोगे तो आपके देखिए हर चीज़ आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अब वहीं जब आप उसे नेगेटिव चीज़ में ले जा रहे हैं, गलत चीज़ आप देख रहे हैं या कर रहे हैं, तो देखिए उसका रिजल्ट भी गलत निकलेगा। तो अगर बच्चे प्रयोग करते भी हैं तो आप उनको दोनों पहलू सिखाइए कि अच्छाई भी है और बुराई भी। अगर ये सब बता के चलेंगे तो बच्चों को कभी इस चीज़ का सामना करना नहीं पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा साइबर क्राइम का ज़्यादातर
जो प्रभाव है वो बच्चों पर देखा गया, क्योंकि बच्चे नादानी में सारी चीज़ें कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके हानि को दर्शाती हैं। तो देखिए आज की क्लास में क्या है, हमने आईसीटी से क्या लाभ हैं, तो लाभ के अंतर्गत देखिए इससे क्या जानकारी की भेजने में तीव्र गति को प्राप्त किया है, आसानी से क्या कम्युनिकेशन को जल्दी से भेजा जा सकता है किसी भी समय कहीं पर भी, ठीक है। लागत प्रभावशीलता यानी कि सस्ता होता है ये, व्यापक उपलब्धता, हर क्षेत्र की जानकारी इसमें उपलब्ध होती है, किसी भी समय आप इसका प्रयोग कर सकते हो। दूसरा क्या है, नई नौकरियों का निर्माण, यानी कि जो जितने भी साइबर कैफे खुले हैं तो उससे क्या है नई नौकरी को मिल रहा है, उपलब्ध जो कंप्यूटर डिप्लोमा है, जो डिग्रियाँ हैं, तो उनसे भी क्या है नई नौकरियों का निर्माण हुआ है। लेकिन अब बात करें हानियों की, तो बेरोजगारी भी क्या है तकनीकी के माध्यम से ही फैली है, क्यों, मशीनीकरण के द्वारा, ये तो सभी लोग वाकिफ होंगे। दूसरा क्या है, नौकरी की सुरक्षा का अभाव, ये भी बताया मैंने आपको, प्लस गोपनीयता की कमी, क्या आपकी कोई भी बात व्यक्तिगत नहीं रहती है, वो सार्वजनिक हो जाती है इसमें, ठीक है। दैनिक जीवन में बाधा, जब आपकी कोई गोपनीय बात लीक होगी तो आपका जीवन भी क्या है अव्यवस्थित हो जाएगा। तो देखिए इसमें लाभ तो हैं, पर लाभ से ज़्यादा हानियाँ देखने को मिल रही हैं। हानियाँ देखने क्यों मिल रही हैं, क्योंकि आप सोचते हो कि मैंने किसी को जानकारी दी तो सामने वाला मेरी तरह, पर होता ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के साथ और लड़कियों के साथ यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो हर किसी पर ट्रस्ट कर लेती हैं और अपनी व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं वो दूसरे को बता देते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। तो देखिए आज की क्लास में क्या है, हमने आईसीटी के क्या क्या लाभ हैं, है ना, उनके बारे में जाना, प्लस उससे हानियाँ क्या हैं उसके बारे में क्या है हमने संक्षेप में चर्चा करी। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में आईसीटी के एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।